भगवान शिव के अनेक अद्भुत मंदिर हैं। उन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि ये घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए हम आपको बताते हैं। कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ कुलांत नामक दैत्य रहता था। दैत्य कुल्लू के पास ही नागड़धार से अजगर का रूप धारण कर मंडी की घोंगरधार से होता हुआ लाहौल स्पीति से मथाड़ गांव आ गया। दैत्य रूपी अजगर कुंडली मारकर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था। उसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूब कर मर जाएंगे। भगवान शिव कुलांत के इस विचार से चिंतित हो गए। बड़े जतन के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांत पीछे मुड़ा तभी शिव ने कुलांत के सिर पर त्रिशूल वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घोंगरधार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत से ही कुलूत और उसके बाद कुल्लू नाम के पीछे यही किंवदंती कही जाती है। कुलांत दैत्य के मरने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वे 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल में यहां आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिवजी का पुजारी मक्खन से जोड़कर स्थापित कर लेता है। कुछ समय बाद पिंडी अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है।